आर्थिक रूप से संपन्न होना कौन नहीं चाहता, और आर्थिक संपन्नता का पर्याय है मकर राशि। जी हाँ, आज बात होने वाली है मकर राशि के आर्थिक स्थिति की कि सन 2023 में मकर राशि के पास कितना पैसा आएगा, कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा और कितना पैसा जाएगा। इसके लिए हम समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में कि मकर राशि के धन के देवता कौन है। तो मकर राशि या मकर लग्न के जो दूसरे भाव जो होते हैं, यही धन का भाव होता है। इस धन भाव के जो स्वामी होते हैं वह हो गए शनि देव। अब शनि देवता पूरे इस साल भर सन 2023 में शनि देव अपने ही मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। अब शनि जब मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होंगे और वो भी मकर राशि के धन भाव पर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धन की क्या स्थिति होगी। अर्थात धन जो है बहुत प्रचुरता से प्रदान करने वाले हैं इस समय पर शनि देव। किसे? तो अपने स्वयं के राशि मकर राशि को। अब यहाँ पर जब शनिदेव यहाँ पर विराजित हैं, तो अब शनिदेव की दृष्टि का भी बड़ा ही महत्व होता है। इस दृष्टियों को समझने से पहले आप ये समझ लें कि अभी जो है 30 जनवरी से प्रारंभ होकर के 6 मार्च तक का जो समय होगा, यह शनि के अस्त अवस्था का समय है। इस समय पर शनि जो है सूर्य के बहुत निकट आ चुके हैं, जिसके कारण जो है शनिदेव अस्त अवस्था में माने जा रहे हैं। शनि का अस्त अवस्था में होना, यूं मान लीजिए कि एक 0 वाट का बल्ब लगा हुआ है आपके धन भाव पर। यूं तो शनि जब अपने पूर्ण पावर में रहे, पूर्ण डिग्रियों में रहे, तो इसे अच्छा माना गया है आर्थिक दृष्टिकोण से। परंतु अस्त अवस्था के कारण आपको 30 जनवरी से जो है 6 मार्च तक के समय के बीच में आपको धन का अधिक लेन देन नहीं करना चाहिए। इस समय में धन जहां का तहां वहां रुका हुआ रहेगा, ये मानिए एक 0 वाट के बल्ब के बराबर आपके पास धन आता रहेगा और आता रहेगा। आर्थिक रूप से इसे बहुत ज्यादा संपन्नता की ओर नहीं ले जा सकते और न ही इसे बहुत ज्यादा खराब अवस्था भी माना जाएगा। अब शनि की बात करते हैं, जब शनि इस 6 मार्च के बाद पुनः फिर से मार्गी मतलब उदय अवस्था में आ जाएंगे। उदय अवस्था में आते साथ ही वो आर्थिक दृष्टिकोण से आपको संपन्न बनाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि देव धन भाव पर है। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव पर शनि की नीच दृष्टि का आना, और ऑलरेडी पहले से राहुदेव यहाँ विराजमान है, ये राहुदेव रहने वाले हैं लगभग 30 अक्टूबर तक। तो अब शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर नीच दृष्टि है, तो इस दरमियान क्या होगा, आप यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो वो आपके पोस्टपोन हो जाएंगे। अर्थात प्रॉपर्टी में धन लगने वाला है, वो धन नहीं लगेगा, किसी न किसी कारण से वो आप देखेंगे कि वो कैंसिल होते जा रहा है। तो शनिदेव चाह क्या रहे हैं, शनिदेव ये चाह रहे हैं कि भाई आप जो है पैसा संग्रहित कीजिए, क्योंकि दूसरा भाव आपका बैंक का भाव है, तो बैंक में यदि पैसा रहे तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, ऐसा यहां पर शनि का कहना है। हालांकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अवसर भी शनिदेव प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि की जो शनि यहाँ पर दूसरे भाव में बैठ करके सातवीं दृष्टि दे रहे हैं अष्टम भाव को। अब अष्टम भाव का है, अष्टम भाव गुप्त धन का भी निकालने का है। तो यह वह समय होगा जब आप जो है आपके पैसे कहीं फंस गए हैं, उस पैसे को निकाल पाने का अवसर आपको शनिदेव प्रदान करेंगे। पैसे बहुत लंबे अरसे तक यदि किसी को पैसा आपने दिया है, वो पैसा नहीं निकल पा रहा है, तो ये वो समय रहेगा कि निकल जाए। हो सकता है कि इस दरमियान आपने किसी से पैसा उधार लिया हो, तो वह पैसा चुकता करने में भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अष्टम भाव किसी न किसी रूप में रुकावट का भी भाव माना जाता है। यह सप्तम भाव से दूसरा भाव भी है। अब सप्तम भाव का है का? सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके मित्रों का। तो यदि शनि का प्रभाव अष्टम भाव में है, तो यहां पर दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने का प्रयास करेंगे यहां पर शनिदेव। अब जब सप्तम भाव पर रहेगा, सप्तम भाव पर इसका प्रभाव रहेगा, तब मानेंगे कि आपको अपने जीवन साथी के लिए कोई विशेष कार्य करना पड़ेगा। हो सकता है कोई गिफ्ट इत्यादि दे दें, कोई आप मांगलिक कार्य हो जाए आपके सप्तम भाव से संबंधित। सप्तम भाव में आपके मित्र आते हैं, मित्रों का सहयोग आपको करना पड़ेगा। मित्रों से पैसा प्राप्त नहीं होगा, मित्रों का सहयोग करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। शनि जब यहां से सातवीं दृष्टि हो गई, तो दसवीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 शनि की सीधी दृष्टि, दसवीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि जो है वह एकादश भाव में जा रहा है, जो कि यही है लाभ के अवसर दिलाने का समय। लाभ के अवसरों को शनि देव बढ़ा देंगे। आप देखेंगे कि इस साल आपको लाभ प्राप्ति के अनेक अवसर प्राप्त होंगे।
अवसर मतलब ये है कि कई ऐसे अवसर मिलेंगे, हाँ भाई उस अवसर को हम किस प्रकार भुना पाए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और उस अवसरों को यदि हम भुना लेते हैं तो निश्चय मानिए कि लाभ के लिए यह बहुत अच्छा समय हो गया। अब यही एकादश भाव आपके बड़े भाई का है तो बड़े भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा, उनसे आर्थिक सहयोग आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। एकादश भाव जो है सोशल सर्कल का भी होता है, इसलिए सामाजिक दायरे में रह करके व्यक्ति जो है अधिक धन लाभ जो है वो अर्जित कर सकता है। अब यहाँ पर जानने की बात यह है कि भाई राहु भी यहां पर स्थित है, अब आर्थिक दृष्टि आर्थिकता की बात हो और राहु को ना लिया जाए। अब राहु यहां पर सातवीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर दे रहा है और आठवीं नौवीं दृष्टि आपके जीवन में इन्वेस्टमेंट को भी दर्शा रहा है, तो निश्चित बनिए कि इस साल आप कोई नया इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं, क्योंकि राहु भी एक ऐसा ग्रह हो गया जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावी है क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ है। यहां से गुरु आपकी राशि से तीसरे भाव पर गोचर कर रहे हैं 21 अप्रैल तक, तो 21 अप्रैल तक का जो समय रहेगा वह आपके पराक्रम में वृद्धि कारक रहेगा। अब यहां से कोई धन का संबंध तो बन नहीं रहा है, लेकिन आप पराक्रम लगाएंगे तो भविष्य में उसका धन लाभ आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी है। यहां पर गुरु जो है ये पुनः 1 2 3 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि दे रहे हैं सप्तम भाव पर, मतलब यहां पर व्यवसाय में धन लगाने का समय है, आर्थिक संपन्नता के लिए आज आप व्यवसाय में धन लगाएंगे तो आगे चल के आपको उसका सुंदर प्रतिफल प्राप्त होगा, ऐसा कहना है गुरुदेव का। अब यहां से सातवीं दृष्टि ये भाग्य भाव पर भी दे रहे हैं, तो पिता से धन की प्राप्ति, पिता से लाभ की प्राप्ति और साथ ही साथ जो है वो आपके उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। यदि आप किसी नौकरी में हैं, जैसे किसी कार्य क्षेत्र में हैं, तो आपके बॉस के द्वारा आपको अच्छा आपको सफलता युक्त अवसर प्रदान किया जाएगा, ऐसा यहां पर जानकारी दिखता है। मुख्य रूप से केतु की बात करें तो केतु आपके दशम भाव पर 30 अक्टूबर तक रहेंगे ही, तो दशम भाव से ये केतु की पंचम दृष्टि धन भाव पर आ रही है, 1 2 3 4 5 पंचम भाव पर केतु की दृष्टि आना बहुत ही शुभ माना जाएगा, क्योंकि केतु जो है वो तुला राशि में है और तुला राशि शनि के मित्र की राशि है, इसलिए केतु का जो प्रभाव रहेगा वो तो सर्वाधिक उत्तम रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपका अक्टूबर तक का समय जो है वो केतु के प्रभाव से अच्छा होने वाला है। अब इस पूरे घटनाक्रम में आप देखेंगे कि इस दरमियान जो बीच में जो समय आएगा 17 जून 2023 से लेकर के 4 11 2023 तक के बीच में शनि देव जो है वक्री रहेंगे। वक्री शनि जब हो जाते हैं तब एक घर पीछे का रिजल्ट देते हैं, तो उस टाइम पर वो धन को छोड़ करके आ जाएंगे लगन पे, तो आपको विशेष ध्यान देना है इस समय पर जून से लेकर के 4 नवंबर तक का समय, यही वो समय होगा जब आपके धन जो है खर्च होने की संभावना सर्वाधिक होगी, और कहीं ना कहीं उम्मीद ये भी बनती है कि आपको अपने शारीरिक अपने शरीर पर धन खर्चना पड़ सकता है, इसलिए अपने रोग पर अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने नित्य योग व्यायाम प्राणायाम इत्यादि से अपने शरीर को आप स्वस्थ रखें और तब जाकर के आप चिकित्सा संबंधी खर्चों से बच पाएंगे। मोटी मोटा देखा जाए कि कैसा होगा सन 2023 मकर राशि के आर्थिक संपन्नता को लेकर, तो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि धन के देवता धन में विराजमान रहेंगे। अब जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसे उपाय किए जाए जिससे जो है शनि की हमें कृपा प्राप्त हो जाए। अब शनि की कृपा प्राप्ति के लिए दो ही उपाय करना है, एक सर्वप्रथम जितने भी गरीब लोग हैं जो बेबस लोग हैं जो बेसहारा लोग हैं ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं, यदि इन्हें हम हेल्प करें इनका सहयोग करें तो निश्चय ही आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। और दूसरा होगा जितने भी सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं, जो सफाई कर्मी हैं सिक्योरिटी गार्ड में हैं, जो पुलिस सेवा में हैं, इन सबका आपको आदर करना है, उनसे संबंध अच्छे रखना है और यदि आपसे हो सके तो उन्हें कुछ न कुछ धन या कुछ फल फूल या भोज्य पदार्थ आपको अर्पण करते रहना है। इससे होगा क्या, शनि की प्रसन्नता मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। वैसे भी मकर राशि के लोग बहुत ही आर्थिक संपन्न माने गए हैं जीवन में, तो इस प्रकार से आप सभी का जीवन अगर 2023 के विषय में कहा जाए तो बहुत ही सकारात्मक होने वाला है आर्थिक दृष्टिकोण से। आप सब जो है मंगल कामना है हमारी आपकी हमारा आप आपके लिए कि आप सब जो है संपन्न रहें खुशहाल रहें और आपका जीवन सदैव उन्नति मार्ग पर अग्रसर रहे। नमस्कार।